व्हाट्स अप गाइस, इट्स नितिन और मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करने हैं एक ऐसे प्रोडक्ट की जो कि बिगनर फोटोग्राफर क्या प्रोफेशनल फोटोग्राफर या हर तरह के फोटोग्राफर को अपने पास रखना चाहिए। अब वो क्या है? वो है 50mm लेंस। सॉरी, है कहाँ? एक सेकंड, मैं लेके आता हूँ। भूल गया मैं, गिरा। और वो ये है प्रोडक्ट, 50mm लेंस। जी हाँ, ये वो प्रोडक्ट है जो डेफिनेटली हर एक फोटोग्राफर को अपने पास रखना चाहिए। क्यों रखना चाहिए? उसके हैं 7 reasons। मैं आज दूंगा 7 reasons। तो पहले स्टार्ट करते हैं पहले रीजन से, जो कि है शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड। अब शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड क्या होता है? शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड ये होता है कि जब हम जो देखते हैं अपने फोटोग्राफ्स में कि क्रिस्पी बैकग्राउंड, बोके या समथिंग, कुछ इस तरह की चीज़ें, वो हम देख के काफ़ी लगता है ना कि ये कितना मस्त चीज़ है। और जब हम एक फोटोग्राफर की करियर स्टार्ट करते हैं और हम एक कैमरा खरीदते हैं, तो जो हमें लेंस मिलता है वो जनरली किट लेंस होता है, जो कि 1855 या 24 या समथिंग होता है, जो कि F4 रेंज का होता है। आई मीन अपर्चर वैल्यू जो काफ़ी हाई होती है, जो एफ स्टॉप से हम काउंट करते हैं वो काफ़ी हाई होती है। बट ये लेंस, इसकी अपर्चर वैल्यू है 1.8, ये आपको देगा एक क्रिस्पी शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड। कैसा? मैं अभी दिखाता हूँ आपको। तो अब जो हम फुटेज देख रहे हैं वो मेरे 51.8 लेंस की है। आप देख सकते हो कि कितना ज़्यादा शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड का इफेक्ट आ रहा है। आई मीन जो मेरा बैकग्राउंड है काफ़ी ब्लर है और मैं काफ़ी शार्प दिख रहा हूँ, तो ये बिल्कुल मेरे इस लेंस का कमाल है। सो ये इसका बहुत बढ़िया फीचर है। अगर आप इस एग्जांपल देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हो स्क्रीन पे, ये जो इमेजेस हैं वो आप देख सकते हो कि कितना बढ़िया बैकग्राउंड है, बोके इफेक्ट कितना तगड़ा है। सो ये लेंस की जो सबसे बड़ी खासियत है वो यही है कि आपको बहुत ही क्रिस्प स्मूथ लुकिंग बैकग्राउंड या बटरी स्मूथ जो बैकग्राउंड था वो ये प्रोवाइड करता है। आते हैं अपने दूसरे रीजन पे, जो कि है ये लेंस बहुत ज़्यादा शार्प है। आई मीन इसका एग्जांपल मैं आपको इस इमेज के साथ दिखाना चाहता हूँ। इस इमेज को देखिए, इस इमेज की जो आप डिटेलिंग देखोगे, लाइक अगर इस इमेज को मैं जूम करूँ और इसमें मैं इसके आईज़ पे फोकस करूँ, तो देखो ये कितना ज़्यादा शार्प लेंस है। तो एक प्राइम लेंस का एक बेनिफिट यही होता है, ये काफ़ी शार्प होता है कंपेरेटिवली। अगर हम देखें एक जूम लेंस को, लाइक अगर हम कंपेयर करें इसको 70-300 लेंस से, जो कि अच्छा खासा बोके प्रोवाइड करता है, बट वो इतना शार्प नहीं होता जितना कि ये प्राइम लेंस होता है। सो बात करेगा तीसरे रीज़न की, तो तीसरा रीज़न है ये बहुत फास्ट लेंस है और इसकी लो लाइट कैपेबिलिटी बहुत ज़्यादा मस्त है। आई मीन फास्ट लेंस का कहने का मतलब ये है कि अगर आप ये इमेज देखो या ये इमेज देखो, तो ये मैंने 1.8000-1.4000 पे मैंने क्लिक की है। कई कैमरा जो सपोर्ट करते हैं 1.4000 तक ही सपोर्ट करते हैं, तो ये क्लिक मैंने, इन दोनों क्लिक मैंने उसी पे क्लिक की है। आई मीन मैंने अपने शटर स्पीड को मैक्सिमम पे ले लिया, जिसकी वजह से मैंने ये डिटेलिंग कैप्चर की है। और अगर मैं बात करूँ लो लाइट कैपेबिलिटीज़ की, तो ये इमेज और ये इमेज मैंने नाइट में कैप्चर की है, जिससे मेरा आईएसओ जो है वो ऑलमोस्ट 100 है, और जो शटर स्पीड है उसको भी मैंने काफ़ी बैलेंस रखा हुआ है, जिसकी वजह से मैंने ऐसे पिक्चर्स क्लिक किए। फोर्थ रीज़न ये है कि ये जो लेंस है आपको बैकग्राउंड कैप्चर करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। आई मीन कई बार ऐसी सीन होते हैं कि हम चाहते हैं कि हमारा बैकग्राउंड भी पीछे उसमें आए, आई मीन एक स्टोरी है वो बताने में काफ़ी हेल्प करता है। सो कई बार ऐसा होता है कि अगर हम 85 यूज़ करें या फिर 70-200 लेंस यूज़ करें, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा बोके देता है, बट वो कई बार हमें अपने स्टोरी या फिर बताने में उतना हेल्प नहीं कर पाता है। उस केस में 50mm जो लेंस होता है वो आपको स्टोरी फॉर्म करने के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो फिफ्थ रीज़न है, ये आपको एक बहुत ही अच्छा कंपोजर बनाने में हेल्प करता है। आई मीन जब आप 50mm लेंस यूज़ करते हो, प्राइम लेंस की देखो बेनिफिट यही होता है कि जब आप इसमें आप जूम नहीं कर सकते, आई मीन आपको अगर फ्रेम बनाना है, कॉम्पोजिशन बनाना है, तो आपको आगे पीछे या फिर दाएं बाएं आपको जहाँ भी हो होता है थोड़ा सा एक्टिविटी, थोड़ा सा एक्सरसाइज करना होता है, जिसकी वजह से आप एक अच्छे कंपोजर बन सकते हो, आप डिफरेंट टाइप की पर्सपेक्टिव बना सकते हो। जूम में क्या होता है, आप एक जगह खड़े होते हो, वहीं से अगर आपको कुछ दिमाग में आइडिया आया तो आपने सिर्फ जूम किया, समझ रहे हो, आप थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करते हो, आप एज ए बिगनर फोटोग्राफर इंप्रूव नहीं करते। तो मेरा मानना ऐसा है कि अगर आप एक बिगनर फोटोग्राफर हो तो आपको डेफिनेटली 50mm लेंस रखना चाहिए, जिसकी वजह से आप इस तरह की एक्सरसाइज करोगे तो कंपोजर बन सकते हो। तो ये पॉइंट काफ़ी बेनिफिशियल होता है मेरे हिसाब से बिगनर फोटोग्राफर के लिए। 6th पॉइंट ये है कि ये काफ़ी वर्सेटाइल लेंस है। वर्सेटाइल कहने का मतलब कि आप इससे स्ट्रीट फोटोग्राफी, ट्रैवल फोटोग्राफी, पोर्ट्रेट फोटोग्राफी, प्रोडक्ट फोटोग्राफी आप सब कर सकते हो। आप देख सकते हो स्क्रीन पे मैं लाइन बाय लाइन सब इमेज दिखा रहा हूँ। आप देख सकते हो कि अगर मैंने एक प्रोडक्ट फोटोग्राफी भी की है, लाइक इस वॉच की, मैंने काफ़ी पोर्ट्रेट क्लिक किए हैं लाइक इस ऐसे या ऐसे, मैंने स्ट्रीट फोटोग्राफी काफ़ी की है। स्ट्रीट फोटोग्राफी का एक सबसे बेनिफिट ये होता है कि ये लेंस बहुत कॉम्पैक्ट है, आप इजीली अपने बैग में कैरी कर सकते हो, आप कहीं भी जा सकते हो। इसका फोकल लेंथ काफ़ी स्ट्रीट फोटोग्राफी के लिए परफेक्ट है। आई गेस मेरा ऐसा मानना है
इसकी वजह से। और दूसरी चीज़ है कि आप इसके अपर्चर वैल्यू कम होने की वजह से आप अपनी शटर स्पीड को मैक्सिमम रख सकते हो। सो स्ट्रीट पे होने वाली जो चीज़ें होती हैं वो काफ़ी इंस्टेंट होती हैं, तो आपको हाई शटर स्पीड पे क्लिक करना पड़ता है, तो ये उसके लिए भी काफ़ी बेनिफिशियल है। सो जो लास्ट रीज़न है वो ये है, ये काफ़ी इनएक्सपेंसिव लेंस है, आई मीन ये काफ़ी अफोर्डेबल है। अब इनएक्सपेंसिव और अफोर्डेबल का मतलब ये है कि ये आपको 13,000 रुपये में जो फीचर्स लेके आ रहा है वो इस रेंज में कोई भी और लेंस आपको प्रोवाइड नहीं करेगा। अब आप चाहो तो 70-300 पे जा सकते हो, बट उसकी जो अपर्चर वैल्यू है वो पहली तो काफ़ी ज़्यादा है, एंड दूसरा जो रीज़न है आप उस लेंस को आगे यूज़ नहीं कर सकते। आई मीन उस आगे कहने का मतलब कि अगर आप कल को फुल फ्रेम कैमरा पर स्विच करना चाहो तो आप उसको उस पर यूज़ नहीं कर सकते, बट इस लेंस को आप थ्रू आउट चाहे कितने भी प्रोफेशनल हो जाओ या कितना भी आप टाइम बीट जाए फिर भी ये लेंस आपको हमेशा वो बेनिफिट प्रोवाइड करेगा। मुझे खुद 2 साल हो गए हैं और मुझे काफ़ी बेनिफिट प्रोवाइड किया है और मुझे लगता है ये आपको भी काफ़ी बेनिफिट प्रोवाइड करेगा। सो ये वो 7 रीज़न थे जो मुझे लगता है कि एक फोटोग्राफर को जानने चाहिए, और ये लेंस हमेशा एक फोटोग्राफर को, एक बिगिनर फोटोग्राफर हो या प्रोफेशनल फोटोग्राफर, हर तरह के फोटोग्राफर को ये लेंस तो अपने पास डेफिनेटली रखने चाहिए। तो इसी के साथ इस एपिसोड को यहीं पे ख़त्म करते हैं, तो मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट एपिसोड में, बाय। एक सेकंड, मैं तो बोलना ही भूल गया, इस वीडियो को यार लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा, और नई वीडियो के लिए कोई सजेशन हो या किसी भी तरह की कोई भी बात हो यार मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, मुझे काफ़ी अच्छा लगता है आपसे इंटरेक्ट करना। तो इसी के साथ मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय, पीस।